ग्लेशियर में, ऊपर है किन्नौर ग्लेशियर में। वीडियो बना कर लेके आ रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये है उत्तराखंड जौनसार में, जो एक दशाऊ गांव पड़ता है। क्योंकि हम उस गांव में आए क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक बुढ़ी दिवाली मनाई जाती है, मतलब जो हमारी नई दिवाली होती है, नई दिवाली बोले तो जो पूरे वर्ल्ड में दिवाली मनाते हैं पूरे इंडिया में, तो उससे एक महीने बाद बुढ़ी दिवाली मनाई जाती है। तो दोस्तों हम भी यहाँ पे आए मतलब उसी बुढ़ी दिवाली को लेके। तो दोस्तों मतलब हम यहाँ पे देखेंगे कि मतलब यहाँ की बुढ़ी दिवाली कैसी है, क्योंकि दोस्तों मैं अभी फर्स्ट टाइम हूँ और दोस्तों आप लोगों को भी इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखना और प्लीज़ देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। और दोस्तों जो कोई भी मेरे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ दोस्तों कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। भाई जो बुढ़ी दिवाली वो क्यों मनाते हैं आपके इस साइड इधर? बुढ़ी दिवाली हाँ, ये तो हमें पता नहीं है।
ऐसे ही मनाते हैं खुशी के लिए नहीं, दबे क्यों मनाते हैं? कुछ लोग बोलते भाई काम की वजह से मनोरंजन, ताकि थोड़ा बहुत ना काम घूम फ्री हो जाते फिर उस टाइम। अरे वही तो है मनोरंजन के लिए, काम से फ्री हो गए तो भला इसलिए मनाते है। चलो बढ़िया। दोस्तों अब चले हम सोने, क्योंकि हम रात के 3 बजे हम सो के उठे थे दोस्तों। अभी हम जा रहे हैं अब सोने अपने बिस्तर पे, अपने बेड पे, और यहाँ पे अपने लंकू दादा। लंकू दादा अभी आप लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी लंकू दादा, कैसा लग रहा है फिर आपको? बहुत अच्छा। कैसा फील हो रहा है? हमारे पास शब्द ही है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इधर अब सूर्य निकल रहा है, इतना बढ़िया दृश्य है, बड़ा जबरदस्त। दोस्तों ये हम गांव में एंटर हो चुके हैं, और ये यहाँ पे गांव देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कितनी बाइक के गाड़ियां लगी है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग दिवाली में, बड़ी दिवाली में, और सुबह का टाइम मंदिर का, मंदिर के दर्शन। ऊपर जा सकते जूते उतार के, जूते उतारोगे दोस्तों। हम लोग इधर जाने वाले हैं ऊपर मंदिर में, आप देख सकते हैं। चलो भाई खोलो जूते। अब क्या हुआ, ऊपर क्यों नहीं जा रहे? घर पे क्या प्रॉब्लम है, क्या कारण हो गया? अच्छा दोस्तों, जैसे कि मतलब यहाँ पे ऐसे उठते कि अगर जैसे हमारे गांव में कोई भी डिलीवरी होती है तो फिर हम मंदिर में नहीं जा सकते। 12 दिन तक होता है, 8 दिन तक होता है दोस्तों। तो हम फिर हमने जूते खोल दिए, हमारे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका कल्चर, ये घाघरा बोलते इसको, लहंगा क्या बोले, घाघरा। तो यहाँ पे घाघरा बोला जाता है, यहाँ पे ये इनकी ड्रेस है यहाँ पे, और इधर आप देख सकते हैं। अभी दोस्तों मजा आने वाला है, क्योंकि ये आज का दूसरा दिन है दिवाली का, और वैसे कंटिन्यू 4-5 दिन दिवाली मनाते हैं। हमारे जो भाई बरादरी है, इनका जो कल्चर है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया।
ये देखो दोस्तों, ये यहाँ की सारी महिलाएं सारी लड़कियां दोस्तों, ये इनका कल्चर है। नहीं बोलते क्या इसको? घाघरा दोस्तों, इसको बोलते हैं घाघरा। और यहाँ पे ये है उत्तराखंड का कल्चर, यहाँ पे घाघरा सदरी और डट्ठ के साथ। देखिए दोस्तों कितने सुंदर लग रहे हैं। चलो 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 चलो, धन्यवाद आपका। चलिए साथियों, अभी हम यहाँ पे मंदिर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे एक लड़कियों का अपना कल्चर आपको मैं दिखाऊंगा। तो लड़कियां अभी इधर पहुंच चुकी हैं और यहाँ पे कर रहे हैं। दोस्तों इनका हम हाथी भी दिखाएंगे आपको। तो ये एक हाथी बनने जा रहा है अभी, लकड़ी का हाथी बनाते हैं और इसके ऊपर एक बंदे को नचाएंगे। और ये आप देख सकते हैं अभी बन रहा है ये। तो दोस्तों यहाँ पे ये मंदिर है, यहीं पे